नीरज चोपड़ा। अब ये नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। इस नाम के अब करोड़ों दीवाने हैं। करोड़ों ही क्या, लगभग पूरा देश ही है। देश के लाल ने ऐसा काम ही किया है। जापान में हुए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड ला के इस वीर सपूत ने न सिर्फ अपनी माँ बल्कि भारत माँ को भी गौरवान्वित होने का लम्हा दिया है। आज देश के सभी नागरिकों को नीरज पर गर्व है। वीर सपूत ने जापान टोक्यो ओलंपिक में देश का सम्मान बढ़ाकर सभी को सौभाग्यशाली होने का मान दिया है। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें ये मेडल मिला है। साथ ही अब देश का अभिमान बने नीरज चोपड़ा का भारत वापस आते ही खूब सम्मान हुआ था। और कई सारे इंटरव्यू में ये बात सामने आई थी कि नीरज चोपड़ा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा को बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। इसके साथ ही उनकी सारी की सारी फिल्में भी नीरज चोपड़ा ने देख रखी हैं। यही कारण है कि नीरज चोपड़ा और रणदीप हुड्डा ने खास मुलाकात की जिसमें दोनों ही काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर नीरज चोपड़ा के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की है और उनका कैप्शन हरियाणवी भाषा में है जो खूब सुर्खियों में है। साथ ही नीरज और रणदीप की इस तस्वीर को बहुत ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। लाखों की तादाद में लाइक और कमेंट की बौछार की जा रही है और अब ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। तो एक मिनट ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हम जब भी कोई खबर डालें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। रणदीप हुड्डा ने इस खास मुलाकात की खूबसूरत पिक्चर शेयर कर लोगों का दिल जीत लिया है। इस तस्वीर में रणदीप और नीरज दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। इस तस्वीर से ज्यादा इस पर लिखा कैप्शन सुर्खियां बटोर रहा है। रणदीप ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, कसूता मानस नयोए धुम्मा सा ठाणदारा, जबरदस्त इंसान जो हमेशा ऐसे ही देश को आगे ले जाने वाला काम करेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा रणदीप ने कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक इंसान कहां जाता है। ये सवाल बेहद कम ही लोगों से पूछा जाता है और बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब होता है, लेकिन नीरज चोपड़ा से मिलने के बाद लगता है आप ये करते हो। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने अपने हर इंटरव्यू में रणदीप हुड्डा का जिक्र जरूर किया है। रणदीप के बोलने का अंदाज नीरज को काफी पसंद है, साथ ही उनकी फिल्में भी नीरज को पसंद हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि कौन हीरो उनकी बायोपिक में लीड रोल प्ले कर सकता है, तो नीरज ने रणदीप हुड्डा का ही नाम लिया था।